नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनके लहर काव्य से बीती विभावरी जागरी गीत का अध्ययन करेंगे। बीती विभावरी जागरी एक जागरण गीत है। यह गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह लहर से लिया गया है। बीती विभावरी जागरी गीत उस समय लिखा गया जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारतीय स्वयं को हीन मानकर निष्क्रिय बैठे थे। भारतीय अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल चुके थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सभ्यता और संस्कृति से हीन बताया जा रहा था और विश्व की असभ्य जातियों को सभ्य बनाने का दैवी एवं नैतिक अधिकार अंग्रेजों के पास था। सैंधव सभ्यता के प्रकाश में आते ही यह साफ हो गया कि हमारी सभ्यता संस्कृति इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कहीं अधिक पुरानी है। बीती विभावरी जागरी गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने उन भारतीयों को जागरण का संदेश दिया है जो भारतीय स्वयं को हीन मानते हुए आत्मविस्मृति में सोए हुए थे। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति तथा धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में नाना कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिसके जोर का कुछ भी विश्व में अन्यतर नहीं है। आज पूरा विश्व इस बात को मानने लगा है हम अपने पूर्वजों की उत्कृष्टता से चिपके हुए हैं, नवीन प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्राचीन उत्कृष्टता या श्रेष्ठता की स्मृति ही हमें संतुष्ट कर देती है। यह शयन ही तो है। इसलिए प्रसाद जी कहते हैं कि अब उठो जागो तथा अपने पूर्वजों की कीर्ति में नवीन श्रृंखलाएं जोड़ो। बीती विभावरी जागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई है मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद लिए अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहागरी। इस जागरण गीत में कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रातःकालीन प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है, उसके साथ ही जागरण का संदेश भी दिया है। रूपक अलंकार के माध्यम से प्रातःकालीन उषा को एक नायिका के रूप में चित्रित किया है। बीती विभावरी जागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। विभावरी शब्द का अर्थ है रात। कवि कहता है कि अंधकार पूर्ण रात बीत गई है, इसलिए प्रकृति को भी जाग जाना चाहिए। रात के बीतने पर अर्थात प्रातःकाल होने पर अंबर पनघट, अंबर शब्द का अर्थ है आकाश, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी
जो चतुर नायिका है वो तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। भाव यह है कि प्रातःकाल होते ही आकाश के जो तारे हैं वो छिपने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे प्रातःकालीन रूपी जो नायिका है वो अंबर रूपी पनघट में ताराओं रूपी घड़ों को डुबो रही हो। खग कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल का शब्द का अर्थ है पक्षियों का समूह। किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय शब्द का अर्थ है पत्ते। कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही पक्षियों का जो समूह है वो मधुर स्वरों में बोलने लग गए हैं। प्रातःकालीन सवेरा होते ही पक्षी मधुर स्वर करने लगे हैं और मंद शीतल हवा के झोंकों से जो कोमल पत्ते हैं वो हिलने डुलने लग गए हैं। लो यह लतिका भी भर लाई है मधु मुकुल नवल रस गागरी। प्रातःकालीन होते पर लता भी खिलने वाली नई कली भी रस से परिपूर्ण प्राग को भरकर खिल गई है। इस प्रकार प्रातःकाल होते ही जो सारा प्राकृतिक परिवेश है वो मनोरम बन गया है। अधरों में राग अमंद लिए। अमंद शब्द का अर्थ है अधिक जो मंद ना हो। अधर शब्द का अर्थ है होंठ। अलकों में मलयज बंद किए। अलक शब्द का अर्थ है अलकों शब्द का अर्थ है केश और मलयज शब्द का अर्थ है चंदन। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। आली शब्द का अर्थ है सखी। विहाग शब्द का अर्थ है वैसे विहाग शब्द का अर्थ है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला जो राग है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक रात्रि में जगने के कारण आँखों में जो लालिमा छा गई है उसके लिए ये शब्द आया है। अधरों में राग अमंद लिए अलकों में मलयज बंद किए। कवि कहता है कि अरे प्रकृति रूपी नायिका तू अपने अधरों में अत्यंत प्रेम भाव को अपनाती हुई और अपने केश पाश में चंदन से सुगंधित हवा को समेटे हुए हो। तुम अभी तक सोई है लाली आँखों में भरे बिहागरी। तुम जबकि सारा जो प्राकृतिक परिवेश है वो जाग चुका है, प्रातःकालीन सवेरा हो गया है, लेकिन तुम अब तक सोई हुई हो। अभी भी तुम्हारी आँखों में लाली छाई हुई है। इसमें कवि ने वैसे तो प्रकृति को ही जागने के लिए कहा है, लेकिन कवि का जो भावार्थ है क्योंकि ये एक जागरण गीत है तो इसमें कवि ने ये कहा है कि जो सारे भारतवासी हैं वो अपने प्राचीन गौरव को अपने प्राचीन सांस्कृतिक गौरव को याद करें। जो अब तक आत्मविस्मृति में सोए हुए हैं उन्हें अब जाग जाना चाहिए और अपने जो उनका जो सांस्कृतिक प्राचीन जो गौरव है उसके प्रति उनको चेतना चाहिए। वो जाकर अपने इन पूर्वजों के इस प्राचीन गौरव को और उसकी उत्कृष्टता को बनाए रख सकते हैं। उसके लिए उन्हें जाकर प्रयास करने चाहिए।